वेलकम फ्रेंड्स, आज ये सेकंड क्लास है हमारी प्रैक्टिस बैच की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। शुड हेल्पिंग वर्ब मॉडल, प्रोवाइड मेन वर्ब, प्रोवाइड के बाद आता है ऑब्जेक्ट आगे, और प्रोवाइड बहुत बार इंटरेस्टेड प्रोवाइड पूछा जाता है। एक ऑब्जेक्ट आता है पर जब लिविंग वाला आ जाता है, नॉन लिविंग नहीं आ सकता, तो विद लगा के बनाया जाता है। इंटरेस्टेड अस विद, प्रोवाइड अस विद कई चीजें, सप्लाइड अस विद वेपन, सप्लाइड द टेररिस्ट विद वेपन, विद प्रीपोजिशन लगती है दूसरे नंबर पर, ठीक है। लिविंग लिखकर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती क्योंकि डाई ट्रांजिटिव नहीं है। विद ओपन नेटवर्क, ओपन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नेटवर्क नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना जरूरी है, ठीक है। शुड प्रोवाइड एंड शुड नॉट ब्लॉक, ये हेल्पिंग वर्ब से जुड़ा हुआ है, ये भी मेन वर्ब, वैसे शुड लिखने की जरूरत नहीं पर इन्होंने लिख दिया दोबारा। शुड प्रोवाइड अस विद ओपन वर्ट एंड शुड नॉट ब्लॉक, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड नॉट ब्लॉक, ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट, ये दोनों मेन वर्ब हैं क्योंकि और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन है। डिस्क्रिमिनेट मेन वर्ब है, डिस्क्रिमिनेट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती इसलिए बीच में प्रीपोजिशन लगती है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है और प्रीपोजिशन गलत लगी हुई है डिस्क्रिमिनेट के साथ, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एन एप्लीकेशन और कंटेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है। डेट रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए, और ये कंजंक्शन वाला क्लोज कंटेंट को रिप्लेस कर रहा है। डेट मेन क्लोज चल रहा था अभी तक, मेन क्लोज यहां तक हो गया, अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। डेट किन के लिए है, इस एप्लीकेशन और कंटेंट के लिए, ठीक है। इंटरनेट सर्विस शुड प्रोवाइड अस विद ओपन नेटवर्क एंड शुड नॉट ब्लॉक, ओपन नेटवर्क देना चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड को और ब्लॉक नहीं करना चाहिए, और ना ही कोई भेदभाव करना चाहिए किसी भी एप्लीकेशन का। आजकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कई एप्लीकेशन चलने नहीं देते, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी उस नेटवर्क पे आती है, सब्जेक्ट है ये, काम सब्जेक्ट का और कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये वर्ब है क्योंकि ये सिंगुलर माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग, कंटेंट के अकॉर्डिंग, इसी को तो रिप्लेस करके डाटा है, ठीक है। राइड्स ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, राइड ओवर व्हाट दोज एक डिटरमिनर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट के साथ फोर नहीं आता, किसी के खिलाफ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, शी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर, ये एक ना फ्रेजल वर्ब है पूरा का पूरा, ये पिक क्या फ्रेजल वर्ब है बताता हूं। ही पिक्ड अ व्हाट ट्रेल सून आफ्टर, ये एडवर्ब का काम कर रहा है व्हेन, ठीक है। बट पिक्ड ऑन नहीं होता, पिक्ड अप द ट्रेल होता है। पिक्ड अप द ट्रेल का मतलब होता है रिकॉग्नाइज द ट्रेल ऑफ ए हंटेड पर्सन, मतलब शिकार का रास्ता पहचान लेना, शिकार करते हुए उसके पद चिन्ह पहचान लेना, ठीक है। शी पिक्ड ऑन द ट्रेल नहीं होता, शी पिक्ड अप द ट्रेल होता है, ये फ्रेजल वर्ब गलत लिख दी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज हु वाला मेन क्लोज ये रहा, नेबरहुड मिस्टर शर्मा तक, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कार, पता ही हो गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये एडजेक्टिव। अब दो नाउन साथ आ नहीं सकते, आगे बढ़ाना है सेंटेंस को, प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के बाद यहाँ नाउन आना चाहिए, अवर फ्री में लगा हुआ एडजेक्टिव है। मिस्टर शर्मा जो है इस नाउन का, दो नाउन साथ नहीं आ सकते, नेबरहुड पर ये वही आदमी है, अलग नाउन नहीं है, वही आदमी है, इसे नाउन की परछाई कहते हैं। जैसे मैंने लिखा मिस्टर मोहन द पीएम ऑफ अवर कंट्री, ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं कोमा लगा के, ठीक है, हल्का सा। मिस्टर शर्मा, ठीक है, अब ये हु किसके लिए आया, मिस्टर शर्मा के लिए, इसे कहते हैं प्रोकोन, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन, ठीक है। हु सब्जेक्ट है और ये मिस्टर शर्मा सिंगुलर है, हैज व्हाट आर्टिकल हार्ड एडजेक्टिव नाउन, हैज मेन वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट। बैलेंसिंग, ये क्या है बैलेंसिंग, जेरंड मत बोल देना, पहले बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो वो यहाँ क्या करें, ये पार्टिसिपल है, आई एन जी वाला तब लिखते हैं जब नाउन डूअर हो, इसका नाउन कहाँ है, मिस्टर शर्मा, इससे ही रिलेट हो रहा है, इतनी दूर से रिलेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, वो आ चुकी है, बाकी सब नॉन फाइनाइट होंगी। एडजेक्टिव, हु हैज ए हार्ड टाइम बैलेंसिंग, अपने आप को वर्ब समझते ही हैं ये नॉन बैलेंसिंग, बट हिज वाइफ एंड किड्स, ऑब्जेक्ट हो गया बैलेंसिंग का, व्हेन वेयर ऑन हिज ओल्ड स्कूटर, प्रीपोजिशन, ये इसका नाउन, ठीक है। तो ये होगा, ये फ्री में लगे हुए डिटरमिनर और एडजेक्टिव है, एरर कहाँ है।
नेबरहुड नहीं होता हमारा कोई, नेबरहुड तो वो पड़ोस की जगह होती है, नेबरहुड जगह जहाँ रहते हैं लोग पड़ोस में, पड़ोसी लिखना है तो बच्चे नेबर आएगा यहाँ, नेबरहुड नहीं नेबर, ठीक है ये कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑल दैट दे नीड टू डू इज, ऑल दैट दे नीड टू डू इज, मेन क्लोज कहाँ है, ऑल इज, सबॉर्डिनेट क्लोज, ऑल लगता है तो डैट आता है पता ही आपको, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ठीक है। अब बताइए, नीड टू डू इज नीड मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, डू का ऑब्जेक्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, कहाँ है इसका, क्या आएगा बताओ, क्या एरर है इसमें, अरे ये डू का ऑब्जेक्ट ये रहा डेट और मेन क्लोज वो रहा ऑल इज, इसलिए इसे प्रो कौन कहते हैं, दो वजह से, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये और प्रोनाउन या नाउन को रिप्लेस कर रहा है, प्रो कौन है, ऑल इज मेन वर्ब, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ऑल इज, नीड टू डू इज क्या आएगा, ऑल दैट दे नीड टू डू इज, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद देखो बताओ जल्दी इसमें क्या आना है, क्या एरर है देखो ढंग से, चलिए बताइए तो। इन्होंने कंजंक्शन से पंगा नहीं ले रखा, कहीं भी कंजंक्शन नहीं लगा रहे, जबकि लगनी चाहिए, क्लोज तीन है इसमें, देखो दे नीड टू डू, एक तो यहाँ डेट लगना चाहिए, लगा रखे मैंने, लगाया अपनी तरफ से, एक ये इज के बाद भी देखो बच्चों, इज मेन वर्ब है, आगे मेन वर्ब के बाद सिंपल नाउन आना चाहिए, वर्ब दे दी, इसका मतलब यहाँ बीच में भी एक डेट आना चाहिए, और ये वी वन से क्यों शुरू हो गया, सब्जेक्ट आना चाहिए क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वी वन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इज डेट फीड वट, इनलाइन नंबर फीड करो, आई एम आई नंबर क्यों करो, वाई, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आ सकता है, और एडवर्ब अगर किसी वर्ब को बनना हो तो टू वी वन बनेगा, टू रिसीव विंग, गलत, टू के बाद वी वन आएगी क्योंकि एडवर्ब बनाना है यहां पे, ऐसे समझो, आई केम हेयर, वाई टू सी, ठीक है, टू रिसीव अपने आप को वर्ब मानती है, ठीक है, टू रिसीव क्या मानती है अपने आप को वर्ब, तो ये इस रिसीव का क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, टू रिसीव एन ओटीपी ऑब्जेक्ट वेयर ऑन द ओटीपी नंबर, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है, कर लो, टू रिसीव आना था बस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फोर क्वेश्चन हम देखो, द ग्रोथ इन इंडिया, ये सेंटेंस में द ग्रोथ ये सब्जेक्ट है, ये दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते इसलिए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, कुल मिला के ये एडजेक्टिव है, कैसी ग्रोथ, किस में ग्रोथ, इंडिया में ग्रोथ, ठीक है। अब ये आ गया इज मेन वर्ब, अमेजिंग द ग्रोथ, ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग द ग्रोथ, क्या मीनिंग है इसका, इसमें यहां बताओ ये अमेजिंग क्या है, ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे समझो इसे, माय हॉबी इज डांसिंग, इसमें ये बताओ डांसिंग क्या, देखो चलिए देखो, दो तरह की बात होती है इज, तीन तरह के सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप देखो, ही इज प्लेइंग मूवी इज बोरिंग, इन तीनों में आई एन जी की पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, ध्यान से समझना, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो खेल रहा है,
माई हॉबी इज डांसिंग, ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, क्योंकि हॉबी नहीं, नाच रही, ही डूअर नहीं है, क्यों, ये माई हॉबी इज डांसिंग, ये दोनों एक ही चीज है, नाचना, हिंदी से भी कर सकते थोड़ा, ना, माई हॉबी इज डांसिंग, ये हॉबी डूअर नहीं है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं है। कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तब भी ये डूअर होना चाहिए, और एडजेक्टिव जब भी आईएनजी वाला होता है तब भी ये डूअर होना चाहिए। नहीं है ना, हॉबी तो नहीं नाच रही, इसका मतलब ये जेरेंड है, एक ही चीज। मूवी इज बोरिंग, ये रहा है, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल और कॉन्टिन्यूस टेंस लगभग एक जैसी चीज होती है, क्योंकि ही डूअर होता है, इसमें बस हिंदी ये भी आ जाती है वो खेल रहा है, इसमें ऐसी नहीं आती मूवी बोर हो रही है या कर रही है, बस ये मूवी इफेक्ट डालती है लोगों पे, मूवी इज बोरिंग है डूअर ही, बस रहा है रही है कि कोई सेंस नहीं है कि अभी बोर कर रही है इस वक्त, नहीं, बस ये इफेक्ट डालती है, मूवी लोगों को बोर करती है, मूवी ने लोगों को बोर किया, इसलिए मूवी की विशेषता आईएनजी है, ये डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल और आईएनजी वाले एडजेक्टिव में, उसमें भी डूअर लगभग यही होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी डूअर यही होता है, इसलिए कई बुक में सेम ही चीज कह देते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस को भी और प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी, ठीक है, बट वो उसी टाइम हो रहा है, ये उस टाइम नहीं हो रहा, कभी भी जाके बोल दो मूवी बोरिंग है, ये उसी टाइम हो रहा है, इफेक्ट डाल रही है लोगों पे बोर करने का, बट जेरेंड में ऐसा नहीं होता कि हॉबी डांस करिए, डूअर है ही नहीं, अगर ये डूअर होती तो ये एडजेक्टिव या कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हाँ जी, ओके। द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग, अब बताओ द ग्रोथ इन इंडिया इज अमेजिंग क्या होगा, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ये अमेजिंग क्या है, ग्रोथ जो है इंडिया की अमेजिंग है, अमेजिंग लोगों को हैरान कर रही है, लोगों पे इफेक्ट डाल रही है, उसी टाइम नहीं कभी भी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है। द ग्रोथ फ्रॉम 140 कनेक्शन टू कितनी बढ़ गई, 140 मिलियन थे, 181 हो गए, जो कि बहुत ज्यादा, इज मतलब मेन वर्ब, वेरी एडवर्ब, ये एडजेक्टिव, इंप्रेस्ड, इम्प्रेस तो वो होता है जो खुद इम्प्रेस हो जाए, इसका मतलब ग्रोथ इम्प्रेस्ड होगी, V3 वाला तब लिखते हैं जब पैसिव सेंस आए, ग्रोथ इम्प्रेस्ड होगी, जैसे मैंने बोला मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूं, आई एम इम्प्रेस्ड विद यू, तब तो ठीक है, अरे जो लोगों को इम्प्रेस कर दे, ग्रोथ ने लोगों को इम्प्रेस कर दिया, इम्प्रेसिव बोलते हैं इसे, जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, इम्प्रेसिव प्रोडक्ट्स, लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, खुद नहीं हो रही वो, तो ग्रोथ सब्जेक्ट था वो इम्प्रेसिव, ठीक है, मेरा सब्जेक्ट, बाकी तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं ये, फ्रॉम, ये सब, ठीक है, नेक्स्ट। अर्थ सब्जेक्ट है, ये पैसिव बना दिया, क्यों बना दिया, क्योंकि अर्थ को कंसीडर किया जा रहा है, क्या पैसिव के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आते, फिर ये कैसे आ गए, नाउन नहीं आते, क्योंकि डाई ट्रांजिटिव वो तो आ सकते हैं, ऐसे समझो, ही गेव मी अ पेन, मी आगे आया, पेन तो वहीं रह गया ना, जब भी मैं कहता हूं पैसिव में कभी ऑब्जेक्ट नहीं आते डाई ट्रांजिटिव वर्ब को छोड़कर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आगे आ चुके होते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, अब ये आ गया क्योंकि ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थ यहां थी, वी कंसीडर्ड अर्थ ए केज, दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं रह गया, जिसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, वो वहीं रह गया, इसलिए बस नाउन आ गया, क्योंकि ये तो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऐसे समझो, वी कंसीडर अर्थ ए केज, ये देखो अर्थ आ गया, आ गया वहीं रह गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बाकी ये कंसीडर के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, तो इसलिए बस नाउन आ गया, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट वाला ही चीज मान लो, चाहे डाई ट्रांजिटिव है चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज कंजंक्शन अवर चॉइसिस, सब्जेक्ट मेन वर्ब लिमिटेड एडजेक्टिव है, चॉइसिस लिमिटेड है, और एडजेक्टिव का जब भी प्रेडिकेटिव यूज हो प्रीपोजिशन लगती है, फिक्स कौन सी है, टू, प्रीपोजिशन में नाउन आएगा, अवर एडजेक्टिव अवेलेबल भी एडजेक्टिव, अवर अवेयरनेस आ गया आपका नाउन, और एंड लगा है तो दो नाउन ज्वाइन कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, यहां भी नाउन आएगा, रिस्ट्रिक्शन, नेक्स्ट, मच बिलीव डेट इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइस वर्सा, बहुत से लोग बिलीव करते हैं अगर तुम मॉडर्न हो तो रिलीजियस नहीं हो सकते, रिलीजियस हो तो मॉडर्न नहीं हो सकते, अब बोलो क्या करेंगे, इफ कंजंक्शन है, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट, यू शुड नॉट बी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब मेन वर्ब, फिर लिंकिंग है तो ये दोनों एडजेक्टिव हो गया, मच बिलीव क्या करते हैं,
इफ तो इन दो क्लोज को जोड़ रही है, मच बिलीव इनको जोड़ रहा है। मच अनकाउंटेबल लोगों के लिए आता है, मच वोटर लोग जो बिलीव कर रहे हैं वो तो असली के लोग हैं, लिविंग है, मतलब ज्यादा है, प्लूरल है। मच तो अनकाउंटेबल के साथ आता है। मैनी पीपल बिलीव, पीपल अंडरस्टूड है, इसलिए सिर्फ मैनी को सब्जेक्ट बना के यूज कर लिया है। ये डिटर्मिनर भी होता है, प्रोनाउन भी, मैनी बिलीव डेट। नेक्स्ट, व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर इट इज अ मेटाफोर फॉर एक्सपीरियंस, जो है मेटाफोर कह रहे हैं, अगर तुम स्वीट कोकोनट वाटर को ड्रिंक करते हो, व्हेन यू ड्रिंक कंजंक्शन है क्योंकि अगले क्लोज को जोड़ रहा है, यू ड्रिंक सब्जेक्ट वर्ब, स्वीट कोकोनट वाटर ऑब्जेक्ट, इट इज अ मेन वर्ब, ये आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मेटाफोर फॉर लग सकता है, प्रीपोजिशन नाउन लाओ, एक्सपीरियंस भी नाउन है, जॉय भी नाउन है, दो नाउन साथ नहीं आ सकते, क्या दिक्कत है ये। अब मेटाफोर फॉर, अब आप एक काम करो, एक नाउन दो तब पा सकते हैं जब अगर ये नाउन भी हो और प्लस में वर्ब भी हो, तब ये ऑब्जेक्ट बना लेगा। एक्सपीरियंस करना तो इसे वर्ब बना लो ना, फर्स्ट फॉर्म ये नाउन भी होता है वैसे ये, और ये वर्ब भी होती है V1, ठीक है ना। अब दो नाउन साथ नहीं, इसे वर्बल नाउन बना लोगे तो आ जाएगा। वर्बल नाउन कैसे बनाऊं इसको, वैसे तो पहले से ही नाउन है, ठीक है ये अगर इतना सही है तो पहले से ही नाउन है, बट एक और नाउन तो नहीं आ सकता, इसे वर्बल नाउन कैसे बनाओगे, एक्सपीरियंसिंग, जेरेंड आता है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा। ऐसे ठीक हो गया, एक क्वेश्चन, चलिए ये दो सेंटेंस और रह गए हमारे जो आज के प्रैक्टिस सेट में, ये और कर लेते हैं। देखिए, आई एम ग्रेटफुल ये एडजेक्टिव है और लिंकिंग वर्ब के बाद है, तो ये प्रीपोजिशन लगा के टू यू। तो ये जो ग्रेटफुल किसी का आभारी होते हैं, ओबलाइज्ड होते हैं, इनके साथ लगता है टू समवन, जैसे एग्री होते हैं तो लगता है विद वगैरह, ठीक है। फॉर समथिंग, किस चीज के लिए, फॉर पर्पस, पर्पस दिखाने के लिए फॉर, हमारी ग्रेटफुल जो आभार व्यक्त कर रहा है वो पहुंच रहा है किसी तक, तो टू फिक्स है, ठीक है। तो ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स, किस चीज के लिए, एक्सटेंडिंग रिक्वायर्ड हेल्प, ये जेरेंड है, एक्सटेंडिंग व्हाट हेल्प, ये रिक्वायर्ड एडजेक्टिव है, आगे दो नाउन नहीं आ सकते एडवर्ब बनाने के लिए, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा रखा है, बट यहाँ पर ये बताया तो है, ग्रेटफुल हो, ओब्लाइज्ड हो टू समवन फॉर समथिंग, यहाँ आएगा फॉर समथिंग। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंटेड या कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जब किसी को, फॉर हिज सक्सेस नहीं, ओन हिज सक्सेस, ओन प्रीपोजिशन लगती है, कॉम्प्लीमेंटेड हो, कॉन्ग्रेचुलेटेड हो, देन। तो ये आज हमारे सेंटेंस थे 10, इसे नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। जो अगर आपको देखो सेंटेंस, ये जो 10 सेंटेंस है, क्या कहते हैं, एक हफ्ता या ना भी आए तो ये बन रही है वीडियो, ऐसी बात नहीं नहीं पहुंचेंगे, बट ये जो आपका CGL का एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे इसके बाद आए या और एग्ज़ाम आए, ये नहीं कि इस महीने अगले महीने एग्ज़ाम है तो अभी सारे हमें प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेना, आगे जितने भी एग्ज़ाम है सब में काम आएगा आपके ये। अभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैच फुल है हमारे पास, इस कारण से क्या कहते हैं टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, कहीं और भी क्लास होती है ऑफलाइन जाना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है ना, तो इसलिए। बट ये एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद रेगुलर आ जाएंगे आपके पास वीडियोस, तो टेंशन मत लीजिए।